प्राणपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में मंगलवार को अंचलाधिकारी रत्नेश मोहन को स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। उक्त विदाई समारोह की अध्यक्षता पूर्व मुखिया सऊद आलम ने तथा मंच का संचालन मोहम्मद कादिर ने किया। समारोह के दौरान सीओ को प्रखंड जदयू अध्यक्ष लड्डू सिंह के द्वारा अंग वस्त्र व फूलों का बुके देकर सम्मानित किया गया। मौके पर सामाजिक नेता गुलाम मुस्तफा ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सरकारी कर्मी को एक दिन न एक दिन स्थानांतरण होना सुनिश्चित होता है। उन्होंने अंचलाधिकारी रत्नेश मोहन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनका कार्यकाल काफी सराहनीय रहा। इनके स्थानांतरण होने से हम लोगों को इनकी कमी खलेगी। वहीं अंचलाधिकारी रत्नेश मोहन ने कहा कि मुझे प्राणपुर प्रखंड की जनता की ओर से ढेर सारा प्यार और स्नेह मिला है, जिसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में मुझे यहां अपनापन लगा था। इस दौरान दक्षिणी लालगंज कर्मचारी परमानंद यादव ने कहा कि पदाधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, परंतु कुछ पदाधिकारी ऐसे भी होते हैं जो अपना कार्य की बदौलत छाप छोड़ जाते हैं। मुख्य आकर्षक हमारे निवर्तमान अंचलाधिकारी रत्नेश मोहन जी, यूं तो कहा जाए कि रत्नेश मोहन जी हमारे प्रखंड में जो है राजस्व पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हुए, उस समय मैं भी मुखिया था और इनका कार्यकाल काफी सराहनीय रहा। एक भी आरोप इनके ऊपर या इनके अगेंस्ट में हम लोगों के पास कोई कंप्लेन नहीं आया और ये सरकारी सेवा में इस तरह का होना बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फिर यहाँ अंचलाधिकारी के भी फुल फ्लेज में रहे और काफ़ी अच्छा ढंग से अंचल को चलाए और कोई विवाद नहीं हुआ। छोटे छोटे भी विवादों को जो है बहुत नज़दीकी से और बहुत पूछबूछ से उसको हल करने का काम किए। खासकर जमीनी विवाद जो था, आपको जाकर के जनता दरबार में देखते थे हमेशा जो है रोशनाओपी और प्राणपुर थाना में एकदम पंक्चुअल के साथ जो है जनता दरबार में शनिवार में जाते थे और मामलों को सुलझा करके जो भी विवाद था प्राणपुर में उसको सोल्व करने का काम किया है। इसके लिए हम तमाम प्राणपुर वासी आपका हमेशा ऋणी रहेंगे। और सरकारी सेवा में तो स्थानांतरण होता रहता है, आप हम लोगों के नज़रों से दूर जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के दिल में हमेशा आप जो है रहिएगा और प्राणपुर की जनता हमेशा आपको याद करता रहेगा। इस वर्ष से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी जाएं स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु रहें और आपका जो है दाम्पत्य जीवन जो है खुशी से चले, आप आगे बढ़ें और जो है सरकारी सेवा में और समाज में प्रतिष्ठा के ऊंचाइयों को छुए, आपका जीवन उज्ज्वल रहे। इन्हीं बातों से करते हैं सूचना के अनुसार आज यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। विदाई समारोह आप सबों ने आयोजित किया, मेरे लिए आपको आप सबको मेरा बहुत प्रणाम। उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, माननीय जदयू अध्यक्ष लड्डू सिंह जी, पूर्व उप मुखिया उत्तरी लालगंज सऊद आलम जी, जनप्रतिनिधि हमारी जिला परिषद सैदुल निसा जी, मुस्तफ़ा जी, तारिक मंसूरी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। इस विदाई समारोह में उपस्थित हमारे ऑफिस स्टाफ लोग, राजस्व कर्मचारी, डेटा ऑपरेटर, पत्रकार बंधु, सबका बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम मेरा। इस जब हम कानपुर आए थे तो आरओ के पद पे पदस्थापित थे, डेढ़ साल यहाँ पे आरओ के रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे कार्यकाल मेरा रहा। उसके बाद फिर मुझे उच्च दायित्व अंचलाधिकारी के पद पे प्रभार मिला और मेरा जितना हो सकता था मैंने किया। विवादों को अपने हिसाब से कि ज़्यादा विवाद बढ़े नहीं, जमीनी विवाद ऐसे भी बहुत पेचीदा होता है, मुश्किल होता है सुलझाना, उसमें बहुत सूझबूझ से काम करना पड़ता है। तो जितना मेरा एफर्ट था हम अपना 100% दिए और जितना तक था, बहुत छोटा मेरा कार्यकाल रहा एज अंचल अधिकारी, तो हमसे जितना बल पड़ा किए
और जहां भी जाएंगे करते रहेंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद, और आशा करते हैं कि नए सीओ साहब जो आएंगे वो भी अच्छा काम करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रूम में बैठे तक आ गया।